वेलकम बैक फ्रेंड्स, दो अर्टिगा फिर से हम लोग देख रहे हैं चैनल के ऊपर व्हाइट कलर में। टू कार्स, टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो ये हमने तैयार की हुई है, वन इन द डिसेंट सोबर लुक, वन इन द स्पोर्ट्स लुक। ये दोनों ही मॉडिफिकेशंस आप लोगों के सामने हैं कि किस तरीके से है। इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं द हेडलाइट सेटअप ऑफ द कार से। ये कार पे हमने न्यू वाली ओमेगा DRL विद द सिंगल रिंग हमने सेटअप की हुई है गोल्ड कलर के अंदर। ये कार में हमने हमारी रेगुलर ऑनिक्स DRL विद द मॉन्स्टर हेडलाइट का कॉन्सेप्ट है। दोनों ही गाड़ियों का डार्क मोड, नाइट मोड हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से है। कैन जस्ट सी द गेटअप ऑफ द कार। जो हमारी ओमेगा DRLs हैं, नीचे से स्टार्ट होके ऊपर की तरफ जाती है। इन DRLs का लुक आप लोग देख सकते हैं। जब ये स्टार्ट होती है तो इसका जो ऑन मोड है, जस्ट सी द इंट्रोडक्शन मोड जो इसके अंदर हमको मिल रहा है कि कितने ब्यूटीफुल तरीके से इसका सेटअप ये हमने किया हुआ है। जो हमारी ऑनिक्स वाली है, दैट्स अ ट्यूब ऑफ DRL जो अंदर से लगती है। ये दोनों ही हेडलाइट्स के अंदर से लगती है, ये नहीं कि कोई हमने ऊपर से चिटका दिया या कुछ भी है, क्योंकि जो चिटकाने वाली चीज़ है वो निकल सकती है, बट जो अंदर से है उसकी लाइफ ज़्यादा है। दोनों के इंडिकेटर्स हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हैं। ये गाड़ी में हमको फ्लैशिंग का कॉन्सेप्ट है ऊपर एंड नीचे, बट जो हमारी ओमेगा वाली है दैट कम्स विथ अ सुपर मैट्रिक्स फॉर्म, इसका भी लुक हम लोग देख सकते हैं। बट अर्टिगा न्यू मॉडल की जो आन बान और शान है इज द गैलेक्सी टेल बार कॉन्सेप्ट। जो पीछे का लुक है, ऑफ करना डोंट, ये आप लोग देख सकते हैं कि दोनों ही गाड़ियों में टेल बार्स के साथ हमने लुक किया हुआ है। ऑन करना, जस्ट सी द गेटअप ऑफ द रियर लुक ऑफ द कार। द गैलेक्सी टेल लाइट विद द गैलेक्सी टेल बार का हमारा कॉन्सेप्ट है, बट छोटा सा डिफरेंस है कि इसमें हमने कनेक्टिंग सेंटर पार्ट नहीं लगाया हुआ है, पिलर्स चेंज किए हैं, एक्सटेंशंस हमने लगाए हैं, टेल बार हमने सेंटर में लगाई हुई है। सो दिस इज द हाफ मॉडल कॉन्सेप्ट, बट जो फुल मॉडल कॉन्सेप्ट है इसके अंदर हमने लगाया हुआ है, जिसके अंदर स्टार्ट टू एंड आप लोग देख सकते हैं जूम इन मोड पे, स्टार्ट टू एंड ये पूरा थीम जो है हमारा बनता है। जब फुल वो चीज़ लगती है सो उसका लुक टोटली कोई उसका मुकाबला नहीं है। एंड अगर हमको कंपनी का पीस सेंटर का रखना है तो हाफ मॉडल भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जो एम्बियंट लाइट का भी कॉन्सेप्ट दोनों ही गाड़ियों में किया हुआ है, डार्क मोड में हम लोग देख सकते हैं। सी द गेटअप ऑफ द एम्बियंस लाइट, जो दरवाज़ों में, डैशबोर्ड में, पाँव रखने वाले सेक्शन में, बॉटल होल्डर के सेक्शन में एक एम्बियंट लाइटिंग का जो थीम है हम लोग दोनों ही कार्स में देख सकते हैं कि किस तरीके से है। एंड मोबाइल ऐप बेस्ड आती है, इसको आप लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं कि वॉट एवर कलर यू नीड यू कैन सिंक इट। एक डैशबोर्ड एंड एक फुट लाइट का सेक्शन किस तरीके से इल्यूमिनेटेड है इसमें हम लोग ने देखा। कमिंग टू द इंटीरियर टोनिंग ऑफ द कार, टू डिफरेंट कार, टू डिफरेंट इंटीरियर कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं।
द पर्शियन ग्रीन इंटीरियर। ये कार में कंप्लीट पर्शियन ग्रीन इंटीरियर का कॉन्सेप्ट हमने किया हुआ है। सीट कवर्स देख सकते हैं, दोनों ही गाड़ियों में अल्ट्रा सॉफ्ट सीरीज के हैं। ये कार में पर्शियन ग्रीन एंड आइस ग्रे की टोनिंग दिया है। एक टॉप गियर का सीट कवर व्हाइट गाड़ी के अंदर पर्शियन ग्रीन कलर लगने से कितना ब्यूटीफुल इंपैक्ट गाड़ी के अंदर आ रहा है आप लोग देख सकते हैं। आर्मरेस्ट दोनों सीट के बीच में जो हाथ रखने वाला आता है वो भी पर्शियन ग्रीन कलर में रैप्ड है। द मारुति जेन्यून आप लोग देख सकते हैं कि जो टॉप एंड मॉडल में आता है, सीएनजी मॉडल गाड़ी है। कैमो कार्बन स्टाइलिंग किट के साथ जो दरवाजों में इंटीरियर है कैमोफ्लेज एंड उसमें थोड़ी सी पर्शियन ग्रीन की हाइलाइटिंग जो डोर्स में हमने दी हुई है। द कैमोफ्लेज एंड पर्शियन ग्रीन थीम इंटीरियर हैज़ बीन डन इन द कार। एक पैनल्स देख सकते हैं, एक दरवाजे में लेदरिंग का वर्क देख सकते हैं। स्टेयरिंग ये गाड़ी में हमने रिप्लेस किया हुआ है द कैमोफ्लेज स्टेयरिंग विद द अपर कट लोअर कट एंड द सेंटर कट। ऑन द अदर हैंड ये गाड़ी के अंदर हमने एलमेंट टोन इंटीरियर किया हुआ है, बट इसमें फ्लोर मैट्स भी देख सकते हैं टॉप गियर ब्रांड की पर्शियन ग्रीन कलर में हमने लगाई हुई है। ये कार का जो इंटीरियर है एलमेंट कलर में दिया हुआ है, सो एलमेंट जब हमने लगाया है तो उसको मैच करते हुए द स्टाइलिंग किट इज इन द एलमेंट टोनिंग। स्टेयरिंग ऑफ द कार हैज बीन लेदर रैप्ड इन द एलमेंट कलर। सीट कवर्स कुशनिंग वाले हमने लगाए हैं। टॉप गियर के हर डिफरेंट कार में हर डिफरेंट वीडियो कॉम्बिनेशन मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से है, बट एक स्टाइलिंग किट का भी ग्लॉस देख सकते हैं। द ब्राउन कार्बन इंटीरियर स्टाइलिंग किट इसके अंदर हमने लगाई हुई है, जो हमारी कार्बन फाइबर ब्लैक में आती है, ये कार्बन फाइबर ब्राउन थीम के अंदर हमको दिख रही है। टच स्क्रीन प्लेयर नेट प्ले का दोनों ही गाड़ियों में हम लोग देख सकते हैं। 1 GB रैम 16 GB मेमोरी ऑफलाइन मैप्स दोनों ही गाड़ियों के अंदर आते हैं, बट ये वाला जो मॉडल इसके अंदर हमने लगाया है 2 GB रैम 32 GB मेमोरी विद द एप्पल कारप्ले के साथ ये हमको मिल जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं कि इट इज़ विद द एप्पल कारप्ले। फिटमेंट की क्वालिटी देख सकते हैं, सॉकेट टू सॉकेट फिटमेंट है। हर्ट्स के स्पीकर्स के साथ ऑडियो दोनों ही गाड़ियों का हमने अपग्रेड किया हुआ है, जिसमें कॉम्पोनेंट्स फ्रंट में दोनों ही कार्स में हमने सेटअप किए हुए हैं। एक डिफरेंस खाली बताना था कि एलमंड इंटीरियर भी आप लोग देख सकते हैं, पर्शियन ग्रीन द स्पोर्ट्स इंटीरियर भी आप लोग देख सकते हैं। DRLs दोनों गाड़ियों में डिफरेंट है। डिफ्यूज़र्स जो हमारे आते हैं, ये गाड़ी में हमने वाइट एंड ब्लैक स्कर्ट लगाई हुई है सिंपल तरीके से, वाइट के ऊपर पियानो ब्लैक स्कर्ट एंड पीछे हमारे 4 डिफ्यूज़र का कॉन्सेप्ट है, 4 एग्जॉस्ट जो ये गाड़ी में है। बॉडी कलर स्टार लाइनर वाइट कलर में जो आता है, किस तरीके से एक XL6 का लुक है, जिसमें 1, 2 और 3 पार्ट्स XL6 के आते हैं, क्योंकि पीछे की जो लाइट्स हैं वो भी हमने XL6 की इसके अंदर देखी हुई है। जो आर्मरेस्ट है वो भी XL6 का इसके अंदर देखा हुआ है। एक मॉन्स्टर हेडलाइट, इसकी इमेंस लाइट आती है विद द प्रोजेक्टर फॉग लाइट। द प्रोजेक्टर फोकस इसके अंदर है, जिसकी रोशनी हम बाहर चल के देखेंगे। हेडलाइट्स के बल्ब अपग्रेडेड हैं, बट एक व्हील कैप जो लग के आते हैं कंपनी से आप लोग के सामने हैं। दोनों ही सेम मॉडल है गाड़ियाँ एंड एक एलॉय व्हील जो मारुति जेन्यून गन मेटल या फिर ग्रे, इसको आप लोग बोल सकते हैं कि जेन्यून अलॉयस, जेन्यून आर्मरेस्ट एंड द जेन्यून स्पॉइलर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन बोथ द कार्स। मैं हर बार आप लोग को बोलता हूँ, स्पॉइलर की फिटमेंट आप लोग देख सकते हैं। ये पूरी गाड़ी वाइब्रेट होगी बट स्पॉइलर बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। इट्स अ होल फिटिंग, कोई भी हमने क्लिप्स वगैरह नहीं लगाए हुए हैं, इसमें भी फिटमेंट हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से है। डिफ्यूज़र जो पीछे का हमारा आता है 4 एग्जॉस्ट के साथ एंड डिफ्यूज़र जो बॉडी कलर आता है वाइट, इसका भी आप लोग गेटअप देख सकते हैं। दोनों इसका अपना अपना लुक है। ये वाला थोड़ा स्पोर्टी लुक के हिसाब से है, ये वाला थोड़ा सा बॉडी कलर वाइट के हिसाब से आ जाता है। मोल्डिंग्स भी जो आती है मारुति जेन्यून हमने लगाई है दोनों ही कार्स में। द बॉडी कलर वाइट जेन्यून मोल्डिंग्स आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हैं, जो मैंने पिछले वीडियोस में भी आप लोगों को बताया। एक गन मेटल अलॉय को कॉम्प्लीमेंट करते हुए हैंडल्स हमने कार्बन फाइबर थीम में किए हुए हैं। टेल लाइट्स के बॉर्डर भी कार्बन फाइबर थीम में किए हुए हैं एंड जो दोनों मिरर हैं वो भी कार्बन फाइबर थीम में किए हुए हैं।
बोनेट की जो आउटलाइनिंग है वो भी कार्बन फाइबर थीम में किए हुए हैं। एक बिफोर एंड आफ्टर लुक देख सकते हैं कि गाड़ी जब आती है तो ऐसी दिखती है, बट एक कार्बन फाइबर लगाने के बाद कैसी उसकी ट्रांजिशन है हम लोग देख सकते हैं। सो टू अल्टिगास, टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो आज का हमारा थीम है, वाइट गाड़ी जो ऑल टाइम फेवरेट कलर है। लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए कि गाड़ी कैसी लग रही है। एंड ओनर ऑफ द कार दोनों ही गाड़ियों के हमारे साथ में है, सर है जिनकी गाड़ी में कंप्लीट पर्शियन ग्रीन इंटीरियर हमने किया है। वेलकम करते हैं सर आपका शॉप पे, कैसी लग रही है जो इंटीरियर हमने किया हुआ है और दो लाइन देखने वालों के लिए क्या बोला? रोहित सर ने बहुत बढ़िया तरीके से हमारे जो हमने सोचा था वैसा करके दिया सर ने, और अच्छा लगा। इंटीरियर लुक वगैरह, एक इंटीरियर लुक भी बहुत अच्छा लगा सर। ओके ओके, थैंक यू करेंगे सर आपको। जेन्युइन जो लगा है, एकदम एकदम जेन्युइन। ऑयलर की आप बात करो, मोल्डिंग की आप बात करो, हर चीज मारुति ओरिजिनल, हर चीज मारुति ओरिजिनल लगाई है और बहुत बढ़िया लगाई है, अच्छा लगा। मॉन्स्टर हेडलाइट अपनी कैसी लग रही है? एकदम बढ़िया। आई थे कोई चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, हर चीज अच्छे से अच्छी है। हाँ, रोहित सर ने जो बताया वो हम लोग ने किया है, बराबर है? बराबर, थैंक यू आपको करेंगे। एंड सर है जिनकी व्हाइट गाड़ी में हमने एलमंड टोन इंटीरियर किया हुआ है, इंटीरियर अपन केलेला आहे आणि जे लुक डीआरएलचा स्पेशली मुलेची हाऊस होती की लाइटिंगचा पूर्ण काम पाहिजे, कसं काय झालेलं आहे काम आणि ओव्हरऑल एकदम सुंदर मुलाच्या मनाप्रमाणे झालेलं आहे। आई लाईक द वे द कार यू हॅव मॉडिफाय, इट जस्ट लाईक द सेम आय हॅव इमॅजिन इन माय माइंड। ओके, आय लाईक इट व्हेरी मच। थँक्यू करेंगे सर आपको। पहिले मी साई सर्व्हिसचा प्रथम आभार मानेल की त्यांनी वेळेवर आम्हाला गाडी करून दिली, जसं सांगितलं आम्ही त्यांच्याकडनं अपॉइंटमेंट घेतली आणि त्यांनी वेळेवर आम्हाला अपॉइंटमेंट दिली आणि एक दिन में ट्राफिकमध्ये असूनसुद्धा त्यांनी आम्हाला हेल्प केली की आम्हाला सांगितलं 7-8 वाजता गाडी देतो आणि जवळजवळ 9 वाजेपर्यंत त्यांनी आम्हाला गाडी दिली आणि जे जे सांगितलं ते सर्व करून दिलं आणि जबरदस्त त्यांचं काम आहे, त्यांचं टीम आहे ती, त्यांचं एफर्ट जबरदस्त आहे, म्हणजे जे एकदा जुटले का ते काम करूनच सोडतात आणि ते मागे कोणाला सोडत नाही आणि सरांचा पण आभार मानतो। ओके, आणि नक्कीच तुम्ही या लाईकला शेअर करा, सबस्क्राईब करा यूट्यूबला। धन्यवाद। लाईक वगैरे करण्याची, लाईक शेअर कमेंट, लाईक करिए व्हिडिओ को, कमेंट करिए, सबस्क्राईब करिए चॅनल को। ड्राईव्ह सेफली अँड थँक्यू।